गाइज, जो आज हम अभी टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये टॉपिक क्लास 11th का चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन। उसमें ये टॉपिक है। बहुत बार आपके क्वेश्चन पेपर, स्कूल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ये मिल जाएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिल जाएगा। क्वेश्चन एकदम साफ और सीधा समझ में आ रहा है। कहा जा रहा है कि पुलिंग अ लॉन रोलर इज ईजियर देन टू पुश इट। पुल का मतलब क्या होता है अगर आपको ये जानना है, तो इसका मतलब होता है खींचना, और पुश का मतलब होता है धक्का देना। ठीक, लॉन रोलर से आप क्या समझते हैं? तो आप देखे होंगे, अगर आप क्रिकेट के प्रेमी हैं तो क्रिकेट मैदान जो होता है उसमें जो रोलर चलाया जाता है उस रोलर की बात कर रहा है। अगर आप बड़े बागीचे गार्डन वगैरह देखे हैं तो उसमें जो घास वगैरह होता है उसमें भी ये रोलर चलाया जाता है। तो ये टॉपिक सिंपली आपको अगर समझाएं कुछ शब्दों में तो यही है कि जो बागीचे वगैरह में हम रोलर का यूज़ करते हैं वो खींचना आसान है धकेलने से, धक्का देने से। क्या कारण है, यही आपको जवाब देना है। तो इसका फिजिक्स में अगर हम देखें कि किस तरीके से इसको हम इलैबोरेट करेंगे, तो हम दोनों केसेस आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक बात बताते हैं। और वो बेसिक बात ये है कि अगर कभी भी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक तरीके का फोर्स है, आपको पता ही होगा, फ्रिक्शन अगर कहीं पर भी ज़्यादा है तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, मूवमेंट कम होगा। और फ्रिक्शन ज़्यादा है तो मूवमेंट कराने में हमें परेशानी भी होगी, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट, उसके उल्टा हमें काम करना पड़ेगा। और क्योंकि हमें फ्रिक्शन ज़्यादा है उसके अगेंस्ट काम करना है, तो ज़्यादा फोर्स के अगेंस्ट हमें भी ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, तो हमारे लिए मुश्किल होगा। तो ये याद रखिएगा कि जहाँ पर भी फ्रिक्शन ज़्यादा होगा वहाँ हमें फोर्स ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी हमारे लिए मुश्किल होगा, और हमें फोर्स ज़्यादा देना पड़ेगा और फ्रिक्शन की वजह से मूवमेंट कम होता है अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो। अब ऐसा इसलिए बताएं क्योंकि लास्ट में हमारा जो कंक्लूजन होगा वो फ्रिक्शन के आधार पर ही हम अपना कंक्लूजन देंगे। ठीक, तो ये कुछ बेसिक बातें थी, इसको हम इरेज कर देते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए दोनों केसेस उठा लेते हैं। जाहिर सी बात है, रोलर है तो रोलर क्या होगा, गोल होगा। ठीक, अब ये रोलर जो है इसका जाहिर सी बात है कि कुछ वजन भी होगा, तो नीचे की ओर वजन, इसका वेट हम मान लेते हैं डब्ल्यू, और इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर है जिसका हम लोग मान लेते हैं आर। ठीक है, आप थोड़ा सा फील करिए कि किसी भी चीज को अगर आप खींच रहे हैं तो फोर्स बाहर की ओर होगा कि अंदर की ओर होगा। खींचेंगे तो आप ऐसे खींचेंगे, ऐसे तो फोर्स कहां हो रहा है, बाहर की ओर जा रहा ना। तो अगर यहां से हम फोर्स बाहर की ओर दे रहे हैं तो फोर्स कहां है, बाहर की ओर, इंक्लाइंड फोर्स है, आप देख रहे होंगे यहां फोर्स अप्लाइड, तो बाहर की ओर फोर्स है, इंक्लाइंड वेक्टर है, इंक्लाइंड वेक्टर है, तो ये रिजॉल्व होगा। रिजॉल्व होगा तो एक आप पाएंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा जिसकी वैल्यू होगी एफ कॉस थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसकी वैल्यू होगी एफ साइन थीटा, ऐसे लिख देते हैं एफ साइन थीटा। ठीक, ये फिगर हमारा बन गया। किसका ये फिगर है, पुलिंग का है, यानी अगर हम रोलर को खींच रहे हैं उसका है। अब रोलर को धक्का देते वक्त का फिगर बनाते हैं, तो रोलर बना दिए और सेम रोलर की बात कर रहे हैं, तो वेट नीचे की ओर होता है W, इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर होगा R। फोर्स अगर हम धक्का दे रहे हैं तो धक्का हमारा कैसा होगा, अंदर की ओर होगा, धक्का अंदर की ओर। ठीक, तो यहां से ये फोर्स ऐसे काम करेगा, बाहर ऐसे आया, तो ये क्या है, एक इंक्लाइंड फोर्स है, इंक्लाइंड वेक्टर जिसको आप कहेंगे, फोर्स एज अ वेक्टर। तो ये भी दो कंपोनेंट में बटेगा, एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा जिसकी वैल्यू होगी एफ कॉस थीटा, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा जिसकी वैल्यू होगी एफ साइन थीटा। ये अप्लाइड फोर्स है। ठीक, अब दोनों ही कंडीशंस पे हम देखेंगे कि किसमें फ्रिक्शन ज्यादा है और किसमें कम है, लेकिन उससे पहले हम जरा देखें। आप सोचिए कि ये रोलर है, इसको हम ऐसे खींच रहे हैं, ठीक, या फिर यहां जैसा फिगर बना हुआ है, इसको हम कैसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, तो ये रोलर का मूवमेंट कैसा होगा, हम इधर आ गए और इस रोलर को ऐसे खींच रहे हैं, तो इस रोलर का मूवमेंट इस ओर होगा, तो फ्रिक्शन किस ओर होगा, उल्टा, मूवमेंट के उल्टा फ्रिक्शन होता है। तो हम मान लेते हैं कि फ्रिक्शन इस ओर है एफ, और इसको हम क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। ठीक, तो ये मूवमेंट किधर कर रहा है, इस ओर कर रहा है, तो इसका भी फ्रिक्शन इस ओर है। ठीक, अब ये टॉपिक जब आप पढ़ने के लिए ये वीडियो खोले ना, तो आपसे इतना उम्मीद की जा सकती है कि आप फ्रिक्शन का फॉर्मूला जान रहे होंगे। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, हम यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं, अगर नहीं जान रहे तो थोड़ा आप इस पर रिसर्च कीजिएगा। फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू रिएक्शन फोर्स, ये फॉर्मूला आपको आते रहना चाहिए।
अगर नहीं पता है तो ये याद रखिएगा कि एक टॉपिक पढ़ाया जाता है कि जो फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन फोर्स के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इक्वल टू का साइन लगाते हैं और उसके जगह पे म्यू लगता है, तो एफ इज इक्वल टू म्यू आर हो जाता है, वेयर म्यू इज कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, तो अब ये जान गए, अब ये है हमारे लिए केस वन और ये है हमारे लिए केस टू। ठीक, अब दोनों ही केसेस को हम लोग देखेंगे। आप देखिए नीचे की ओर वेट है और वेट नीचे की ओर, और ऊपर की ओर जो फोर्स है वो है एफ साइन थीटा और आर, क्योंकि आर एक रिएक्शन फोर्स है। तो अगर हम यहां पे देखें तो जितना नीचे की ओर फोर्स होगा उतना ही ऊपर की ओर होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जिस पर जितना हम एक्शन लगाएंगे उतना ही हमें रिएक्शन मिलेगा। तो एक्शन अगर हम मान लें W है तो W के बराबर होगा रिएक्शन फोर्स, और रिएक्शन क्या मिल रहा है एफ साइन थीटा और आर, तो ये बराबर होगा एफ साइन थीटा प्लस आर के। तो ये बताइए रिएक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो रिएक्शन फोर्स यहां रखेंगे ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो W माइनस एफ साइन थीटा, तो क्या हम सीधा लिख दें कि आर इज इक्वल टू W माइनस एफ साइन थीटा। ध्यान रखिएगा आर को यहीं पर रखें, W इधर था ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक, तो R इज इक्वल टू W माइनस एफ साइन थीटा, ये यहां का केस हो गया। केस टू को अगर हम सॉल्व करें तो R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा एफ साइन थीटा और वेट दोनों एक ही तरफ काम कर रहे हैं, तो ये तो साफ हमें दे दे रहा है R इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस वेट। तो यहां R की वैल्यू ये मिली और यहां R की वैल्यू ये मिली, दोनों आर की वैल्यू निकाल लिए। अब देखते हैं कि फ्रिक्शन किसमें ज्यादा है, तो फ्रिक्शन हम निकाल रहे हैं जब हम पुल कर रहे थे, तो फ्रिक्शन जब हम पुल कर रहे थे तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला आपको भी पढ़ा है म्यू आर होता है। आप याद रखिएगा अगर दो सब्सटेंस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है तो अगर वो दोनों सब्सटेंस सेम रहे लेकिन कंडीशन बदल जाए, पुश करिए पुल करिए, जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि ये मेरा हाथ है और ये मार्कर, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो आप इसको फिर इस दोनों मतलब मेरे हाथ को और फ्रिक्शन मार्कर के साथ में जब भी आप लेंगे तो आप कैसे भी रखिए, ऐसे रखिए ऐसे रखिए ऐसे रखिए, खींचिए धक्का दीजिए, इसका म्यू कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक, तो यहां पर जो म्यू होगा पुल के लिए वही म्यू पुश के लिए भी होगा। ठीक, तो हम यहां पर म्यू लिख दिए और आर वाइल पुलिंग क्या आ रहा था, आर आ रहा था उस समय में डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। ठीक, ये क्या है फ्रिक्शन ऑन पुलिंग, और फ्रिक्शन ऑन पुश क्या हो जाएगा म्यू आर। आपको अभी हम बताएं कि आप पुल कीजिए पुश कीजिए इंक्लाइंड प्लेन पर लेके आइए, अगर दोनों सब्सटेंस सेम है तो म्यू सेम रहेगा, तो म्यू जो इसका है वही रहेगा, लेकिन जब हम पुश कर रहे थे तब आर की वैल्यू आ रही थी एफ साइन थीटा प्लस डब्ल्यू, तो एफ साइन थीटा प्लस डब्ल्यू। अब आप जरा विचार कीजिए, जरा सोचिए कि म्यू दोनों ही कंडीशन में सेम है लेकिन यहां ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो माइनस होने पर वैल्यू कम होती है, और यहां ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो वैल्यू बढ़ती है। आप बताइए कि फ्रिक्शन किसमें ज्यादा है, जाहिर से बात है कि फ्रिक्शन पुश में ज्यादा है क्योंकि वैल्यू एड हो रही है। तो हम लिखेंगे कि फ्रिक्शन इन पुश इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन इन पुल। ठीक, तो अभी हम आपको स्टार्टिंग में बताएं कि जिसका फ्रिक्शन ज्यादा होता है उसमें मूवमेंट कम होता है और हमारी मुश्किलें बढ़ जाती हैं क्योंकि हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है इसलिए हमें फोर्स अप्लाइड को ज्यादा करना पड़ेगा, तो यहां क्या हो जाएगा अप्लाइड फोर्स या फिर फोर्स अप्लाइड जो है हमें ज्यादा रखना पड़ेगा, और इस कंडीशन में हमें अप्लाइड फोर्स जो है वो कम रखना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स जो है उसे कम रखना पड़ेगा क्योंकि यहां फ्रिक्शन कम है और यहां फ्रिक्शन ज्यादा है इसलिए अप्लाइड फोर्स को हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये बताइए मुश्किल कहां होगा, जहां हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है या जहां फोर्स कम लगाना पड़ रहा है। जाहिर से बात है जहां ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है वहां हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, तो ये हार्ड होगा हमारे लिए और ये हमारे लिए इजी होगा। तो क्या आप कारण समझ पाए, कारण भी यही था कि पुल करना इजी होता है। जरा देखिए पुल करना इजी है और पुश करना हार्ड होता है, देखिए पुश करने की अपेक्षा हमारे लिए आसान होता है पुल करना, क्यों, क्या आप दोनों कारण समझ गए। तो
उम्मीद है गाइज कि आप ये दोनों ही रीज़न कि क्यों हमारे लिए किसी भी लॉन रोलर को खींचना आसान होता है बजाय कि उसे धक्का देने के, उम्मीद है कि आप कारण समझ गए होंगे। अगर आप कारण को समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। उम्मीद है कि आप हमारे इन प्रयासों को सराहेंगे और आपको समझाने में हम कामयाब हुए होंगे, तो इसके एवज में आप हमें लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके अपना प्यार दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।